गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या किए थे? चैप्टर फोर्थ के क्वेश्चन आंसर किए थे। क्या किए थे? चैप्टर फोर्थ के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम भी अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है? जो शब्द एक वस्तु का बोध कराते हुए एक वचन कहलाते हैं तथा जो एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। तो क्या करने हैं? इनके बहुवचन बनाने हैं। तो थोड़ा क्या है, एक वचन इसका क्या बनाना है? बहुवचन। तो थोड़ा का बहुवचन क्या होगा? थोड़े। लड़का क्या है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? लड़के। बाजा का बहुवचन क्या होगा? बाजे। पुस्तक क्या है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? पुस्तके। सड़क क्या है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? सड़के। पतंग इसका बहुवचन क्या होगा? पतंगे। क्या होगा? पतंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक वचन से बहुवचन बनाना है। क्या करना है? एक वचन से बहुवचन बनाना है। थोड़ा का क्या होगा? थोड़े। लड़का का लड़के। बाजा का बाजे। पुस्तक का पुस्तके। सड़क का सड़के। पतंग का पतंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे शब्दों को उनके पर्यायवाचक से रेखा द्वारा मिलाइए। क्या करना है? उनके पर्यायवाचक शब्द से क्या करना है? रेखा द्वारा मिलाना है। रेखा द्वारा मिलाना है। तो सूरज। सूरज। सूरज का पर्यायवाचक शब्द क्या होता है? सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य और दिनकर। क्या होता है? सूर्य और दिनकर। आसमान। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आसमान। आसमान का क्या होता है? नेबोर। आकाश। चंदा। चंदा का पर्यायवाची क्या होता है? चांद और चंद्रमा। कोयल। कोयल का क्या होता है? कोकिल। पिक। चिड़िया। चिड़िया का क्या होता है? पक्षी। पखेरू। क्या होता है? पक्षी और पखेरू। तो सूरज का क्या होता है? सूर्य और दिनकर। आसमान का नेब और आकाश। चंदा का चांद और चंद्रमा। चांद और चंद्रमा। कोयल का कोकिल और पिक। चिड़िया का पक्षी और पखेरू। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको रेखा द्वारा उसके पर्यायवाचक शब्दों से मिलाना है। क्या करना है? इनके पर्यायवाचक शब्दों से इनको मिलाना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को भी आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनके आंसर को भी अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? इनको अच्छे से लर्न करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे पक्षियों की आवाजें लिखिए। नीचे लिखे पक्षियों की आवाजें लिखिए। तो इसमें सबसे पहले किसकी लिखनी है? कोयल की। तो कोयल की आवाज कैसी होती है? कैसी होती है? कुहू कुहू। कैसी होती है? कुहू कुहू। बाद में किसकी लिखनी है? कौवा। कौवा की आवाज कैसी होती है?
कैसी होती है? काव काव। बाल में किसकी लिखनी है? कबूतर। किसकी लिखनी है? कबूतर। कैसी होती है? गुटरगू। कैसी होती है? गुटरगू। फिर किसकी लिखनी है? तोता। इसकी आवाज कैसी होती है? टेंटे। कैसी होती है? टेंटे। बाद में किसकी लिखनी है? मुर्गा। किसकी लिखनी है? मुर्गे की। तो कैसे बोलते हैं मुर्गा? कैसे बोलते हैं? कुकड़ू कु। कैसे बोलते हैं मुर्गा? कुकड़ू कु। कुकड़ू कु। बाद में किसकी लिखनी है? बकरी की। तो बकरी कैसे बोलती है? मेमे। कैसे बोलती है? मेमे। तो हमने किस किस की आवाज लिखी? कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। कौआ काव काव। कबूतर गुटरगू। तोता टेंटे। मुर्गा कुकड़ू कु। बकरी मेमे। तो इसमें आपको क्या करना है? इनकी आवाज लिखनी है। ओके, तो आज आपको क्या करना है? कल आपने ये क्वेश्चन किए क्या अपनी नोटबुक में अच्छे से किए? तो आज आपको क्या करना है? इनके क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इस चैप्टर को अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर आपको ये ऊपर वाले क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, फिर आपको अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से राइट करने हैं और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर इसको अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से राइट करने और फिर इनके क्वेश्चन आंसर को आपको लर्न करने हैं। क्या करने हैं? लर्न करने हैं। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।